ग्लेशियर एक ऐसी जगह होती है जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। यहाँ का तापमान -40 से -60 डिग्री तक हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और हवा में मौजूद नमी के कण बर्फ में बदलकर इन बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाई को लगातार बढ़ाते रहते हैं। समय के साथ साथ इन पहाड़ों की ऊंचाई 300 से 400 फीट तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से नीचे की बर्फ पर दबाव बढ़ने लगता है और वह पिघलकर कमजोर होने लगती है। इस कमजोर होती बर्फ की वजह से एक समय के बाद ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है और उस खाली हुए स्थान पर नई बर्फ का जमाव वापस शुरू हो जाता है। यह लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन के आरंभ से चली आ रही है, लेकिन पिछले 50-60 सालों में बर्फ के पिघलने की गति में बहुत अधिक तेजी देखी गई है और यही वजह है जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इन घटनाओं को लेकर अत्यधिक चिंतित है। उनका मानना है कि ग्लेशियर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के तापमान में बहुत अधिक बदलाव आया है, जिसकी वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघलने लगी है और ग्लेशियर छोटे होते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पृथ्वी के तापमान में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि ऐसी अनहोनी होने में भी सैकड़ों सालों का समय लग सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए उपाय आज से ही करने होंगे। वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि यह हमेशा से होने वाली बिल्कुल सामान्य प्राकृतिक घटना है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई वास्ता ही नहीं है। शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो इन ग्लेशियरों के मनमोहक नज़ारे और इन घटनाओं को अपनी आँखों से देखने के लिए लाखों लोग हर साल इन स्थानों पर पहुँचते हैं और जब जब ये टुकड़े टूटते हैं तब तब उन्हें देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि ये घटना ग्लेशियरों के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की इस बहस के अलग लोग यहाँ केवल आनंदित होने के लिए ही आते हैं। आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए और इन घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।